गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से भ्रमर गीत शीर्षक से कुछ पद पढ़ाऊंगी। बच्चों, इससे पहले मैं आपको कुछ पद पढ़ा चुकी हूँ, उससे आगे का पद मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो पद इस प्रकार से है, लड़काई को प्रेम कहो, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गौनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते अवनी, चरण कमल की सौह करती हो या संदेश मोहे विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न विसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। एक इस पद में एक गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा स्नेह जो है वो बहुत ही पुराना है, हम यूं ही उनसे नहीं छूट सकते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, हे उद्धव, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई एक दो दिन का नहीं है, बल्कि बरसों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से ही चला आ रहा है, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं, उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परम आनंद को लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें वह मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी की गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, उन नंद बाबा के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास अंत में कहते हैं कि मुझे उनकी मोहन मूरत, सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती हैं, फिर उसको सदैव के लिए मैं कैसे भूल सकता हूँ। धन्यवाद।